price 35k legend gaming smartphones। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो वेलकम हो गया आप सबका एक और जबरदस्त तगड़ी वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 35,000 रुपीज के बीच में कौन से 5G स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 870 का गेमिंग प्रोसेसर और 90 FPS BGMI के बीच में सपोर्ट करेगी और आपको 5000mAh की बैटरी होगी, 144Hz की सुपर रिफ्रेश रेट, तो 5G नेटवर्क सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम IQ009SE के फोन से। दोस्तों IQ का फोन जाना जाता है गेमिंग के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव एंड दोस्तों तगड़ा स्मार्टफोन कहा जाता है। ये एक स्लिम स्मार्टफोन है जिसकी बैक की लुक में 3 कैमरास की हमें ऑप्शन मिलती है और जो है 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमरास मिलेंगे, साथ में LED फ्लैश। तो इस कैमरे से बना सकते हो वीडियो आप 8K के बीच में, 8K में वीडियो बनाओगे बहुत ही तगड़े ग्राफिक आएंगे आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट के कैमरे में आपको डिस्प्ले के बीच छोटा सा कैमरा मिल जाता है, उसमें 4K के बीच वीडियो बना सकते हो। तो ये फोन देता है आईफोन को टक्कर, OnePlus को तो टक्कर क्या दे रही, OnePlus से कई गुना ऊपर निकलने लग गया ये फोन। यहाँ पर इसकी डिस्प्ले मिल जाएगी 6.62 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 120 हर्ट्ज की सुपर रिफ्रेश रेट के साथ, और दोस्तों इसके साथ आपको बैटरी मिल जाएगी 4500mAh की बैटरी मिलेगी और साथ में 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी जिससे आपका फोन चार्ज हो जाएगा ओनली 20 मिनट के बीच में 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। और यहाँ पर गेम की अब बात आ गई है कि गेमिंग के लिए हमें प्रोसेसर कौन सा फ़ोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 का गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB की रैम मिलेगी और 256GB की इंटरनल स्टोरेज हमें मिल जाएगी। ज़्यादातर जाना जाता है गेमिंग के लिए BGMI, जैसी बड़ी बड़ी गेम खेलना चाहते हो तो आपको सब कुछ इस फ़ोन में मिलेगा। बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, 33,990 रुपीज़ का मीन्स की 34,000 का ये वाला स्मार्टफोन है। अगर आपको रिफ्रेश रेट और ज़्यादा चाहिए तो आपको नेक्स्ट फोन दोस्तों यही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों बात करते हैं अब हमारा मोटोरोला एज 20 प्रो का। दोस्तों मोटोरोला का फोन लोगों पता नहीं क्यों नहीं बाय करते। दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना कि यार मोटोरोला के फोन गेमिंग के बीच में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं ना, और गेमिंग क्या, जिस फोन ने गेमिंग के बीच में तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी 100 की नॉर्मल चलाने के लिए, तो उसके लिए इससे बढ़िया परफेक्ट स्मार्टफोन कोई भी नहीं हो सकता जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं इस फोन का, एक डिज़ाइन देख लो, एक झलक देख लो फोन की, किस टाइप का इस फोन का डिज़ाइन है। यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले, जो इसकी स्क्रीन है, इसका साइज है 6.7 इंचेस की ओनली डिस्प्ले मिलेगी जो हमें सैमसंग के 1 लाख वाले फोन के बीच में मिलती है, आईफोन के बीच में भी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस प्रोटेक्शन होती है ओली डिस्प्ले की। 144 हर्ट्ज की सुपर रिफ्रेश रेट मिलेगी और साथ में बात करते हैं इसके बैक के कैमरास की। बैक के लुक के बीच में 3 कैमरास मिलेंगे, जो कि इन कैमरास का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा है, जैसे कोई रोबोट होता है वैसे ही इसकी डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के 3 कैमरास मिल जाएंगे LED फ्लैश के साथ, और साथ में आपको मिलेगी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा। इससे आप वीडियो 4K में वीडियो बना सकते हो फ्रंट के कैमरे से, 8K की वीडियो बना सकते हो बैक के कैमरे से, क्योंकि ये फ़ोन के बीच में आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर बैटरी की बात करते हैं, 4500mAh की बैटरी मिलेगी, 4500mAh की बैटरी के साथ आपको चार्ज करने के लिए मिल रहा है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिल जाएगा जिससे आप आराम से दोस्तों गेम के बीच में मज़ा उठा सकते हो। और इस फ़ोन का आपको प्राइस मिलेगा दोस्तों 32,999 रुपीज़ का, और साथ में अमेजोन के पीछे मिलेगा 37,490 रुपीज़ का। ये दोस्तों फ़र्क है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के बीच में, आपकी चॉइस है आप कहां से बाय करना पसंद करोगे। दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट स्मार्टफोन की। ये फ़ोन है दोस्तों एक बहुत ही इंट्रैक्टिव सा एंड यूनिक सा दोस्तों स्मार्टफोन है। ये है दोस्तों शाओमी का स्मार्टफोन, दोस्तों ये है शाओमी मी 10T प्रो। दोस्तों ये एक 5G एंड बहुत ही एक्सपेंसिव सा स्मार्टफोन है, 5G नेटवर्क सपोर्ट करने वाला। तो बताता हूँ आपको Xiaomi Mi 10T Pro के स्पेक्स क्या है इस फोन में, फीचर्स जिससे परफॉर्मेंस आई है आपको तगड़ी। यहाँ पर 6.67 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी या OLED डिस्प्ले मिल जाती वो भी अच्छा होना था, चलो कोई नहीं। यहाँ पर 144 हर्ट्ज की सुपर रिफ्रेश रेट मिलेगी, रिफ्रेश रेट बिल्कुल ओके है, 108 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के 3 कैमरास मिलेंगे, 4K में वीडियो बना सकते हो इसके बीच में, दोस्तों आप 8K में वीडियो
नहीं बना सकते। यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट का कैमरा मिलेगा, 5000 mAh की 200 बैटरी मिल जाएगी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। ये तीन फोन जो मैंने आपको बताई ये सभी के बीच में सी टाइप पोर्ट 200 सपोर्ट करती है और साथ में ओक्टा कोर का गेमिंग प्रोसेसर आपको मिलेगा दोस्तों, स्नैपड्रैगन 865 का, 8GB की रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है। सो कि दोस्तों मैंने आपको पिछले जो वीडियो थी उस वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि एंड्रॉइड फोन लड़कियां बाय करते हैं या लड़के बाय करते हैं। अब कोर्सली कि आप लोगों ने कहा कि यार लड़के बाय करते हैं, ओके, बट आपके लिए अब ये दोस्तों क्वेश्चन है कि शाओमी का ये मी 10T प्रो है और साथ में IQ009SE है, तो मोटोरोला H20 प्रो, तो इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में सबसे ज़्यादा आप कौन सी दोस्तों, इन तीन फोन के बीच में सबसे ज्यादा मजेदार चीज आपको कौन सी लगी वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके दोस्तों देखना बनता है कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा बढ़िया लगी तो इन तीन फोन के बीच में। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना, तो घंटी कॉल पर कर देना। नेक्स्ट मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि यार हर रोज मैं वीडियो डालूं, क्योंकि मैं हर रोज वीडियो इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा क्योंकि यार काम भी करता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए रोज मैं वीडियो लेकर आऊं, ठीक है दोस्तों, बस आप रोज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए आ जाया करो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट तगड़ी वीडियो के बीच में, तो बाय बाय।